नमस्कार, कैसे हैं आप? फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एंटीलिया केस में एनआईए को मिली सचिन वाजे की कस्टडी। बड़ी खबर, कोर्ट ने सचिन को एक दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। कस्टडी में एनआईए सचिन वाजे से करेगी पूछताछ। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कस्टडी में एनआईए से सचिन वाजे से कस्टडी में करेगी 12 घंटे की पूछताछ के बाद वाजे को किया गया था गिरफ्तार। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोर्ट ने सचिन वाजे को एक दिन की रिमांड पर भेजा है और एक दिन की रिमांड में एनआईए से जो सचिन वाजे से पूछताछ करेगी, इसमें 12 घंटे की पूछताछ के बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया था। और अब जाकर ये जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक सचिन वाजे एंटीलिया केस में सबसे बड़ा नाम, खासकर यह देखते हुए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी इस वक्त अश्विनी मेरे साथ हैं, उनके पास बातचीत करेंगे। अश्विनी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताइए। आपका सवाल दोहराइएगा। सचिन, अश्विनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में अभी आपके पास। जी देखिए, एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे को भेज दिया है। जाहिर सी बात है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब एनआईए इनसे मांगेगी। अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें कुछ लोगों के नाम सचिन वाजे ने एनआईए को बताया है, जिसमें मुंबई पुलिस से जुड़े कुछ लोग हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। ये तमाम जो बातें सचिन वाजे के द्वारा बताई जा रही हैं, ये वेरीफाई की जाएंगी। वेरीफाई करने के आधार पर करने के बाद तमाम जो लोग नाम लिए गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। आपको ये भी बता दें, इनोवा कार जो मिली है, उस इनोवा कार के जो ड्राइवर जिस दिन एंटीलिया के बाहर गाड़ी पार्क की गई, उसके थोड़ी देर बाद एक इनोवा कार आई थी। उस इनोवा कार ने स्कॉर्पियो कार के ड्राइवर को अपने साथ ले गई थी, निशानदेही कर ली गई है। कुछ देर पहले मेरी एनआईए के एक बड़े अधिकारी से बातचीत हो रही थी, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, तो उनका बड़े ही सहज उसमें जवाब था कि जल्दबाजी नहीं कर रहे हम लोग, हमारे पास तमाम ऐसी जानकारियां आ गई हैं जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए अभी ये बताना मुश्किल है कि गिरफ्तारी हो गई है या नहीं। इससे साफ होता है कि तमाम लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। दोनों ही ड्राइवर्स के बारे में भी जानकारी एनआईए के पास आ चुकी है। हो सकता है कि संभव है कि उनकी आज रात तक गिरफ्तारी भी हो जाए, इसलिए एनआईए की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही हैं। सीसीटीवी की जो फुटेज मिली थी, उस तमाम एनआईए ने गहन तरीके से जांच की थी और उसी जांच के आधार पर जो लोग हैं उनको एनआईए ने पकड़ने की शुरुआत की है। तमाम ऐसे एविडेंस सचिन वाजे के खिलाफ पहले इकट्ठा किए गए एनआईए के पास। आपको बता दें कि 2 तारीख से ही सब कुछ चीजें साफ हो गई थी, लेकिन एनआईए कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती थी। यही वजह रही कि एनआईए सबसे पहले तमाम सबूत इकट्ठा करती रही और जब सबूत इकट्ठा हो गए तब एनआईए की तरफ से सचिन वाजे को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया गया और 13 घंटे की पूछताछ के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया। और अब गिरफ्तारी का सिलसिला और भी कई लोगों तक जाएगा। जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे ने अपने गुनाहों की कबूली दी है और उसमें वो अकेले नहीं है। जो बता रहे हैं, एक मिनट, इस वक्त की बड़ी खबर अश्विनी जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करें। सूत्रों के हवाले से खबर, सचिन वाजे ने अपनी गुनाह जो है वो कबूल किया है, क्या मैं ये बोल सकता हूं अश्विनी? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये माना है कि जो प्लांट किया गया था कार, वो सचिन वाजे उसमें शामिल थे। सचिन वाजे के साथ और भी कई लोग हैं, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। हालांकि अभी एनआईए कौन लोग हैं इसके बारे में नहीं बता रही है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों के नाम सचिन वाजे ने लिए हैं उन लोगों के नामों को वेरीफाई किया जा रहा है। उसमें कुछ बड़े अधिकारी भी हैं जिसके आधार पर आगे की मैं अश्विनी ये खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि इस खबर को जरा ब्रेक करें। सचिन वाजे की गिरफ्तारी में एक बहुत बड़ा खुलासा, सचिन वाजे ने माना कि उसी ने एंटीलिया के बाहर गाड़ी प्लान करने में उसका भी रोल था। सचिन वाजे ने अपनी गुनेगारी जो है वो मानी है, माना है कि उसका इसमें रोल है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सचिन वाजे को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एंटीलिया केस में सचिन वाजे का बड़ा कबूलनामा सूत्रों के हवाले से लिखे, बड़ी खबर है ये यहां पर। और सचिन वाजे ने अपना गुनाह कबूल किया।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको सचिन वाजे ने अपना गुनाह कबूल किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एंटीलिया के बाहर गाड़ी का जो पूरा मामला है, विस्फोटक भरी गाड़ी, उसमें अपना रोल भी कबूल किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शिवांगी मेरे साथ है। शिवांगी, आप उस दिन वहां पर मौजूद थी, अभी आपकी लोकेशन और इस पूरे मामले में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? निशांत, आपको बता दें कि इस वक्त हम NIA स्पेशल कोर्ट में हैं और आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर हियरिंग हुई है। सुबह से ही हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से सचिन वाजे को पहले मेडिकल के लिए ले जाया गया, उसके बाद उनसे लगभग 4.5 घंटे NIA के मुंबई दफ्तर में पूछताछ हुई। इसी बीच NIA की कई टीम जो है वो वहाँ पर आ रही थी, और साथ ही साथ CIU में जिस यूनिट में ये काम कर रहे थे सचिन वाजे, उनकी यूनिट के कई अधिकारियों को आज बुलाया गया है। मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों से पूछताछ की गई है इस बारे में कि क्या जो साजिश की गई है उसमें किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट था। साथ ही इनोवा कार को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। हालांकि हमने देखा कि NIA के दफ्तर में एक और इनोवा कार लेकर आई गई, और ये कहा जा रहा है कि ये वही इनोवा कार है जिसका इस पूरे मामले में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें और अपडेट कर दें कि अब 25 तारीख तक रिमांड में इनको भेजा गया है, NIA की रिमांड में भेजा गया है सचिन वाजे को। जो 15 तारीख की डेट आ रही थी, प्लीज़ इसको अपडेट कराइए, डेट आ गई है 25 तारीख तक अब NIA की रिमांड में रहेंगे, इनसे पूछताछ जारी है। और साथ ही कई लोगों पर अभी शिकंजा कसना बाकी है, क्योंकि मुंबई पुलिस के अलावा ठाणे पुलिस में भी क्या कोई इन्वॉल्व था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही मैं जो एविडेंस है उसको टेम्पर तो नहीं किया गया, क्योंकि खुद ये आरोपी थे। बहुत इनिशियल है, लेकिन शिवांगी क्या कुछ समझ में आया कि क्यों, मतलब एक आदमी जो सस्पेंड हुआ था वापस रीइंस्टेट किया गया, वो क्यों ऐसी हरकत करता है, वो और वो भी इतना बड़ा ऑफिसर? बिल्कुल निशान, सवाल कहीं है क्यों ये कॉन्स्पिरेंसी की गई, और सबसे बड़ी बात कि क्या एक अधिकारी, पुलिस अफसर, API, सिर्फ उसकी वजह से इतना बड़ा, जो हम कह सकते हैं एक बड़े घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं था? इन सब बातों की इस वक्त पड़ताल की जा रही है। NIA स्पेशल कोर्ट में ही इस वक्त सचिन वाजे पूरी टीम के साथ है, निकलेंगे यहाँ से। और साथ ही साथ आपको बताया कि इस पूरे मामले पर राजनीति बरकरार है, जहां एक तरफ सरकार को विपक्ष घेर रही है तो विपक्ष भी कम नहीं है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने ही सदन में ये बात कही थी और CDR पढ़ा था कि क्या कुछ कहा है। सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के पूरे मामले में भी कनेक्शन बहुत तगड़ा है, क्योंकि दोनों में आपसी दोस्ती थी, और मनसुख हिरेन की पत्नी ने साफ तौर पर कहा था कि सचिन वाजे ने ही मेरे पति को मारा है, हत्या की है। तो कुल मिलाकर आरोप गंभीर है और ये आरोप बहुत अलग अलग यही सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ अश्विनी से। अश्विनी, क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया, इसको लेकर स्पेकुलेशंस क्या क्या चल रहे हैं? जी देखिए, जो तमाम जो आधिकारिक सूत्र हैं वो इस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इसको पूरी तरह से जो जांच परख है वो शुरू है। लेकिन जिस तरह से बातें हमारी पिछले कुछ दिनों में हो रही है क्राइम ब्रांच और ATS के अधिकारियों, साथ ही पॉलिटिकल रिजिम में, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अंबानी से कुछ बड़ा काम कराने की प्लानिंग रही होगी इन लोगों की, इसके अलावा कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश होगी। हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पॉलिटिकल रिजिम से जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि इस तरह से थ्रेट का परसेप्शन दिखाकर अंबानी को जो थ्रेट देने वाले लोग हैं, यानी कि ये खुद लोग जो इसमें शामिल थे, उनके जरिए इस पूरे मसले को खत्म करने के नाम पर। लेकिन मैं आपसे एक और चीज बोल रहा हूं अश्विनी, इस इंसान की ऑडेसिटी जो है, देखिए अभी हम, क्योंकि अक्सर मीडिया को बोला जाता है कि मीडिया जो है मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है, अब मैं कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं करूंगा, लेकिन ये अपने आप में इनकी जो ऑडेसिटी है उसको लेकर कई सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं और कैसे इन्होंने ये सब अंजाम दिया होगा अगर कुछ है। मेरे साथ आपको बता दूं फॉर्मर DGP UP विक्रम सिंह सर, आप हमारे साथ आ चुके हैं सर, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। देर से आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए माफी चाहूंगा सर, आपके पास मैं अभी आ रहा हूं। कुछ यहां पर फैक्ट्स आपको दिखाते हैं, आइए जरा यहां पर सीधे चले, ये जो फैक्ट्स हैं आइए जरा यहां पर देखिए, जो हमारे पास जो अभी तक की पूरी जो पूरे मामले की जानकारी है उसको देखें आप। ये देखें सचिन वाजे गिरफ्तार, अब तक क्या क्या हुआ सर। सुबह 11:30 बजे सचिन वाजे NIA के दफ्तर पहुंचे, नंबर वन। नंबर टू चेंज करें, यहां पर NIA ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया शनिवार रात 11:30 बजे, मतलब करीब 12 बजे के आसपास। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, फिर सुबह 10 बजे सचिन वाजे को लेकर NIA दफ्तर पहुंचे अधिकारी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर इंटरेस्टिंग है, आज सुबह 11:50 पर NIA के दूसरे अधिकारी भी दफ्तर पहुंचते हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें,
आज दोपहर 12:30 बजे कोर्ट ने सचिन वाजे को एनआईए की रिमांड पर भेजा। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो हुआ वो यहां पर 12:30 बजे सचिन के सहयोगी एपीआई रियाज काजी एनआईए पहुंचे। राहुल चेंज करें यहां पर, वो हमारे सामने एक और फैक्ट है। फिर दोपहर 3:50 पर कोर्ट ने सचिन वाजे को रिमांड पर भेज दिया। जरा चेंज ओवर करें, वो यहां पर एंटिलिया केस में अब तक क्या क्या हुआ ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, सचिन के सहयोगी अफसरों से पूछताछ, मुंबई पुलिस के 4 अफसरों से एनआईए की पूछताछ, एनआईए जेलेटिन प्लांट करने में इस्तेमाल इनोवा बरामद की, थोड़ा जूम इन करें इसको प्लीज, और सीज की गई इनोवा मुंबई पुलिस की है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, अब यहां पर मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ग्राफिक्स को रोटेट करके प्ले करते रहे, मैं सीधे चलूंगा विक्रम सिंह सर के पास। सर आपने तमाम केसेस देखे हैं और मैं क्या बोलूं सर, मैं तो स्पीचलेस हूं। एक इंसान जो इतना टॉप कॉप रहा है, वो सस्पेंड होता है, वो वापस आता है और फिर उसके बाद एक ऐसे केस में लिप्त पाया जाता है जो भारत के सबसे बड़े टाइकून उनसे मिला हुआ है। ये पूरा कंफ्यूजिंग मामला है सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? निशान जी, आपका सदमे में आना बिल्कुल स्वाभाविक है और आपकी तरह पूरा देश इस वक्त सदमे में है कि देश के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर एक पुलिस का प्रमुख विभाग, और ये अकेले नहीं है सचिन, इनके सचिन जो है ये टीम अगर 11 सदस्यों की है, ये 6 डाउन वाले हैं। ओपनिंग बैट्समैन कौन है, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन कौन है, इसका तो पता अब चलेगा। लेकिन जब अपराध और धन की लालसा इतनी ज्यादा हो जाए कि कर्तव्य और वर्दी की शान को भूल करके आदमी केवल आपराधिक कृत्य में आ जाए, उसको कहते हैं गिरावट की पराकाष्ठा। इसको पुलिस नहीं, ये अपराधियों का एक सक्रिय गिरोह है जो इस तरीके की हरकतें करता है। वो यूपी में कहते हैं डेकॉइट्स इन पुलिस यूनिफॉर्म। इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि वहां का नेतृत्व और पुलिस का लीडरशिप इस पे कार्रवाई जरूर करेगी। यह खतरे की घंटी नहीं, खतरे ने दस्तक आपके हाथ दे दी और अब आप लोग बिल्कुल कोई भी सिक्योर नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन गया है तो आप में से कोई न पुलिस लीडरशिप में न पॉलिटिकल लीडरशिप में अब कोई सिक्योर नहीं है, जब तक कि आप इनकी सर्जरी करके इस कैंसर को काट के आप अलग ना हो जाएं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इनका इंटरोगेशन डार्को एनालिसिस, हालांकि डार्को एनालिसिस में आरोपी की स्वीकार कंसेंट जरूरी होती है सेक्शन 40 सीआरपीसी के अंतर्गत, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट में कोई अनिवार्यता नहीं है। कोशिश ये करें कि इनको अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बना ले और जितने भी पुलिस लीडरशिप के नाम है, राजनीतिक नाम है और भी जो नाम हो सकते हैं व्यापार जगत के इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके नाम खुलासा करके एक श्वेत पत्र बना दे कि इससे ज्यादा भयावह स्थिति हो नहीं सकती है। 72 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, जो जो बातें सामने आएंगी और जिस दुस्साहस के साथ इन्होंने देश के शीर्षस्थ उद्योगपति के ऊपर ये एक घिनौनी वारदात की, जबरन धन वसूलने की, मैं समझता हूं कि ये तो फिर तो कोई सेफ नहीं है। मुंबई में, भारत में अगर इस तरीके की चीजें और बचाव की जो बेहयाई देख लें आप कि कोई कोरोना था इसलिए हमने इनको लिया, अरे कोरोना था तो एक से एक ईमानदार पुलिस अफसर रिटायर्ड मुंबई से उनको लिया सकता था। ये थोड़ी कि जो आदमी जिसने राजनीति की है उसको ले, सुल्ताना और मानसिंह अब लिए जाएंगे विभाग में, ये सोच समझ के लेना चाहिए था। बहुत बड़ी बात, जिनके कैरेक्टर के ऊपर हम कसम उठा सकते हैं, उनकी सत्यनिष्ठा के ऊपर, उनका स्थान वर्दी के ऊपर है। जो इतने बड़े आरोपी हैं, हत्या में आरोपी हैं, उनको वापस लेने की मजबूरी, और पूरे मुंबई में और कोई पुलिस अफसर नहीं है, जो भी संवेदनशील प्रकरण आता है सचिन वाजे ही उसके लिए सबसे सर्वदा उपयुक्त हैं। ये सोनार के चिमटे की तरह कहते हैं ना, यूजिंग हिम एज अ कैट्स पॉ, ये कैट्स पॉ अगर बन गए थे इसका मतलब ये ब्लू आइड बॉय थे, और ब्लू आइड बॉय जिसके जिसके थे, अब जरा जवाब दें किन परिस्थितियों में आपने इनकी मनोबल को इतना ऊंचा उठा दिया कि इन्होंने वो किया जो इनको सोचना भी नहीं चाहिए था। और जो लोग इस पे बता रहे हैं सर, मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा जी, क्या विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग ये सब हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये कोई सुसाइडल टेंडेंसी हो तो बात अलग है, वरना जब तक कि पूरा बैकअप और सपोर्ट ना हो, और वो चीज कहने वाली बात नहीं है, आप घटनाक्रम देखें जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होता है, नॉर्मली आदमी ये कहता है कि आपका ये पेशकार, ये स्टेनो दफ्तर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे रिश्वत लेता है, जांच बाद में, जिसको कहते हैं शूट फर्स्ट
अपोलोजाइज लेटर, पहले सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए भले ही उसका क्वांटम बहुत ज्यादा हो, अनजस्ट हो, लेकिन पहले सजा दीजिए क्योंकि संदेश स्पष्ट हो, जीरो टॉलरेंस। यहां जीरो टॉलरेंस क्या, ये तो गोद में बेकरारी है गोद में बैठाने की सचिन वाजे को, और सब बड़े बेकरार है गोद में बैठाने के लिए। ऐसा अंधेर मैंने कभी देखा नहीं था। सर आप जो बता रहे हैं, मैं एक एक क्विक रिएक्शन यहां पर शिवांगी से लूंगा। शिवांगी, और किन किन ऑफिसर से पूछताछ हो रही है और इसमें कितने लोग और इन्वॉल्व होंगे, क्या मुंबई पुलिस के और लोग भी होंगे? देखिए, सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि ठाणे पुलिस पर भी शिकंजा कसा है क्योंकि लगातार दो अलग अलग मामले हैं। एक मामला जो है वो इंटीलिया का, हम सभी को पता है, दूसरा हिरेन मनसुख जो है उनकी मौत का मामला है। तो इन दोनों ही मामलों में पुलिस पूछताछ कर रही है। आज भी कई अधिकारियों को बुलाया गया है NIA के दफ्तर में और सचिन वाजे के सामने बिठा कर पूछताछ की गई। साथ ही ये सभी लोग जिस यूनिट में ये काम कर रहे थे उसी यूनिट के लोग थे, तो ये भी जानने की कोशिश की गई कि क्या इनको कोई खबर थी या इन्हीं के बीच रहकर सचिन वाजे इस सारी साजिश को अंजाम दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर ठाणे की बात करें तो आपको बता दें कि मनसुख हिरेन और सचिन वाजे के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी, तो इस बीच पुलिस के साथ भी काफ़ी मिलना जुलना मनसुख हिरेन का रहता था। तो क्या कोई और पुलिसकर्मी था जिसको इस बात की भनक थी? साथ ही साथ अब तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि कमिश्नर जो है मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह, उनको भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बिना उनकी अनुमति के, पॉलिटिकल एंगल जो है उस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। अश्विनी आप मुझे बताइएगा, पूछताछ और गिरफ्तारी से पहले सचिन वाजे ने सहयोगी अधिकारियों पर लगाया आरोप, बड़ी खबर। व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए सचिन ने साजिश का आरोप लगाया था, यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक क्या क्या है सहयोगी अफसरों के खिलाफ जो उसने बोला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आरोप की बात की है और यह भी कह दिया है कि अब जीने की इच्छा नहीं है, जिंदगी को बाय बाय करने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति ने यह भी कहा है कि जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है। क्या क्या कहा है मैं एक बार जरा आपको वॉल में बताना चाहूंगा। आइए जरा सीधे यहां पर आइए, जरा वॉल दिखाएं इसकी, आपको जानकारी दिखा दें इसके बारे में और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्ले करें। 2004 में CID के मेरे सहयोगी ने मुझे झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर 2004 का मामला अभी साफ नहीं हुआ है लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अरे बाप रे, यही इकलौते मासूम है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, मेरे सहयोगी मेरे खिलाफ साजिश का जाल बिछा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर अब मेरे पास जीवन के 17 साल और धैर्य नहीं है। यहां पर अब दुनिया से अलविदा कहने का समय आ गया है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। ये जो व्हाट्सएप आया है, पहले अश्विनी ये जो व्हाट्सएप आया है ये क्या उनका स्टेटस था, ये कोई व्हाट्सएप लीक हुआ वो पकड़ा गया, ये मामला क्या है? नंबर वन। नंबर टू, क्या ये एक अपने लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ऐसा दिखता है? क्योंकि मैं अभी भी देखिए कंक्लूजन्स पे जंप नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी बहुत गार्डेड होकर चल रहा हूं क्योंकि हम मीडिया को अक्सर मीडिया ट्रायल बोल दिया जाता है, बोला आप लोग जंप करने लग जाते हैं, इसीलिए मैं बहुत गार्डेड होकर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी देखिए, दो बातें हैं। ये उनका व्हाट्सएप स्टेटस है, कल जब हम इनके व्हाट्सएप स्टेटस को हमने देखा तो इनके नंबर जो हमारे पास सेव थे उस पर इनका व्हाट्सएप स्टेटस दिखा और साफ तौर पर 2004 के इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी ख्वाजा यूनिस मर्डर मामले में उसका इन्होंने जिक्र किया और कहा कि 2004 में मेरे दोस्तों ने मुझे गलत केस में फंसाकर मुझे गिरफ्तार किया और अब 17 साल बाद वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है और एक बार फिर से मुझे फंसाने की और गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। ये उनका व्हाट्सएप स्टेटस है और जिस तरह से उन्होंने ये पूरा बात उस दिन कही जिस दिन उन्हें NIA पूछताछ के लिए बुलाई थी, तो एक तरह का विक्टिम कार्ड वो खेल रहे थे और इसका रिजल्ट, इसका नतीजा हमने देखा कि हमने जब कुछ क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था यार आप सचिन वाजे को आप लोग बार बार इस तरह से जो है परेशान ना करें क्योंकि सचिन वाजे का आपने स्टेटस देखा होगा कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, यानी कि जो अपना वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे वो क्राइम ब्रांच और ATS के अधिकारियों के बीच में उसका असर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन NIA ने बकायदा उनसे पूछताछ की, NIA के अधिकारियों ने समझ गए थे कि ये पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी है सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए और 13 घंटे की पूछताछ के बाद NIA ने गिरफ्तार कर लिया। एक बात और है मैं निशांत यहाँ पर अब मैं बताना चाहूंगा कि ठाणे कोर्ट ने साफ तौर पर सचिन वाजे के खिलाफ ऑर्डर पास करते हुए कहा था कि सचिन वाजे को इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा सकती,
क्योंकि प्राइमा फेसी सचिन वजे के खिलाफ एविडेंस हैं और ये ऐसे एविडेंस के मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज मस्ट, यानी कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन होनी चाहिए गिरफ्तारी होकर। इसे बहुत साफ हो गया था कि कोर्ट भी चाहता है कि इस मामले में पूरी तरह से आप अब यहां पर इसको होल्ड करें। मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जो आपके आप ही की रिपोर्ट है, और मैं उसके बाद सीधे विक्रम सिंह सर के पास आऊंगा। सचिन वाजे के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना मनसुख हिरेन की पत्नी का बयान। सचिन वाजे ने मेरे पति की हत्या की, विमला हिरेन ने कहा। ने सचिन वाजे के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। क्या क्या है ये डिटेलिंग मैं आपको करने जा रहा हूं। आइए जरा यहां पर तुरंत जो मेरे पास डिटेलिंग है उसको देखें आप। यहां पर वो बड़ी 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 यहां पर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और इसके बाद मैं जाऊंगा विक्रम सिंह सर के पास, उनसे मुझे समझना होगा। विमला हिरेन का आरोप, सचिन वाजे ने मेरे पति मनसुख हिरेन की हत्या की है, ठीक है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर। मनसुख ने नवंबर 2020 में सचिन को स्कॉर्पियो दी थी, मनसुख ने यह स्कॉर्पियो दी थी जो एंटीलिया के बाहर थी। 25 फरवरी को एंटीलिया में जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मिली। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 26 से 28 फरवरी तक सचिन वाजे लगातार मनसुख के संपर्क में थे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वाजे ने कहा कहने पर मनसुख ने सीएम समेत अधिकारियों को उत्पीड़न की शिकायत की, वाजे के कहने पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 4 मार्च की रात को निकले मनसुख, 5 मार्च की सुबह तक घर नहीं लौटे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 5 मार्च को हमने वाजे के संपर्क किया, वाजे ने सुबह तक इंतजार करने को कहा। इसमें एक और एंगल है, वो एंगल ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये गाड़ी कैसे गायब हुई थी। बताया जा रहा है कि जो जानकारी है, अश्विनी को जरा दिखाएं, अश्विनी अगर मैं गलत नहीं हूं, ये सचिन वाजे के पास गाड़ी थी, उन्होंने कहा कि इसका स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग ब्लॉक जो है वो लॉक हो जाता है। उसका टेस्ट ड्राइव करने मनसुख गए थे, और वहां जब टेस्ट ड्राइव करने गए तो वो कहीं रुके थे या कुछ हुआ था और गाड़ी गायब हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में जो लूपहोल्स हैं वो क्या क्या आइडेंटिफाई किए गए, और उसके बाद मैं विक्रम सिंह सर के पास जा रहा हूं। जी देखिए, सबसे अहम बात यह था कि 4 महीने सचिन वजे के पास ये गाड़ी थी। एटीएस इस बात की जांच कर रही थी कि जो इसका चेसिस नंबर ये सब मिटाया गया था, क्या वो सचिन वजे की कस्टडी में रहते हुए मिटाया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जिसकी जांच एटीएस कर रही है। आपको बता दें कि मनसुख मर्डर केस की जांच अभी तक एटीएस के पास है, लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टेंसेज हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट केस हैं, तो आने वाले दिनों में अगर ये केस एनआईए के पास दे दी जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ये एटीएस इस एंगल से ही जांच कर रही है कि जो चेसिस नंबर है क्या वो सचिन वजे के समय मिटाए गए थे, क्योंकि ग्राइंडर का इस्तेमाल हुआ था। एफएसएल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर इस बात का मेंशन है कि ग्राइंडर के जरिए ये चेसिस नंबर मिटाने की कोशिश की गई है। साथ ही जो चोरी की बात है यहाँ पे, 18 फरवरी को कार चोरी का मामला विक्रोली पुलिस थाने में लिखाया गया था, वहां पर चोरी करने का कोई ऐसा निशान नहीं मिला, यानी कि कार अगर कोई चोरी करने व्यक्ति आएगा तो जाहिर सी बात है चोरी करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए कुछ ऐसी जद्दोजहद हुई होगी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आमतौर पर जैसे चाबी लगा के कार खोली जाती है उसी तरह से कार खोली गई और स्मूथली कार को वहां से लेकर ड्राइव करके जाया गया, यानी कि कोई जद्दोजहद नहीं हुई थी। क्या उस कार की चाबी किसी के पास थी पहले से, या फिर मनसुख ने किसी के कहने पर वहां पर कार जो है ड्रॉप की, चाबी जो उस व्यक्ति को दी और वहां से निकल गया और अगले दिन जाके मनसुख ने एफआईआर दर्ज कराई, और ये सब बातें मनसुख किसी को बता ना दे, क्या इन्हीं वजहों से मनसुख की हत्या कर दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका फिलहाल एटीएस जांच कर रही है। और एफएसएल की रिपोर्ट ने ही इन तमाम सवालों का जो है जवाब दिया है कि चोरी जो है यहाँ पर कोई जद्दोजहद नहीं हुई है, आसानी से चोरी हुई है, कार की स्टीयरिंग पूरी तरह से स्मूथ चल रही थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। इसका हमने उदाहरण भी देखा कि जिस दिन कार चोरी लेकिन इससे मुझे एक और सवाल खड़ा होता है जो ये चीज है, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर विक्रम सिंह सर के पास। सर, आपके हिसाब से कितना इजी है खाली गाड़ी की चोरी और उसका कनेक्शन सचिन वाजे से प्रूफ करना, आपके हिसाब से कितना इजी या डिफिकल्ट है? ये बहुत इजी है, बिल्कुल 2+2=4 निशान जी। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, ये गाड़ी सचिन वाजे के पास थी पिछले 4 महीने से। ये सारी भारत में नहीं दुनिया में ये होता है, बैंक लूटने से पहले, जघन्य हत्याकांड करने से पहले, कोई गंभीर अपराध करने से पहले एक चोरी की गाड़ी का इंतजाम किया जाता है। ये चोरी की गाड़ी दरअसल चोरी हुई नहीं, चोरी का एक स्वांग रचा गया, ये कालांतर में विवेचना में प्रमाणित भी हो जाएगा, क्योंकि अगर चोरी की नहीं होगी तो सीधे कनेक्ट हो जाएगी मुझसे, क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास 4 महीने से थी, सीधे शक की सुई मेरे पास आ जाएगी।
लेकिन अगर चोरी दिखा दी जाएगी तो मैं क्या करूं, वो तो चोरी चोरी हो गई थी, मेरा कुछ गाड़ी से लेना देना नहीं था, तो एक कट ऑफ सिस्टम हो जाता है। तीसरी चीज, ये इतना ज्यादा ये नैसर्गिक हो गया, नेचुरल हो गया कि सीधे शक की सुई नहीं, अब तो शक की, अब तो हम सफाई दें अपनी कि चोरी कैसे हुई, इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई, और अगर इस वाहन में इतनी समस्याएं थी क्या इसके पहले क्या इसकी कोई शिकायत की गई थी कि स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, नहीं की तो क्यों नहीं की, एक सवाल का उत्तर नहीं और चार सवाल और पैदा हो जाएंगे। और ये पूरा कॉन्डक्ट जो है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स, ये क्रिमिनलिटी में आता है कि आप किसी की हाई एंड व्हीकल चार चार महीने पांच पांच लेकर के रखें और उसको संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल करें और व्यक्तिगत काम ले आए, तो ये तमाम बातें जो है इसका जवाब शायद सचिन वाजे के पास नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस जिसने इसमें संलिप्तता है उनका खुल करके नाम लें और एक अप्रूवर बनने के बारे में भी विचार कर लें, क्योंकि उनके पलायन करने के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वो अप्रूवर अगर बन जाते हैं तो कम सजा में संतोष कर सकते हैं। और एक मेरा परामर्श और होगा, जो व्हाट्सएप पे इन्होंने ये जो बयान लिखा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का, एक और केस रजिस्टर होकर के उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए सचिन वाजे। बहुत सही बात कही आपने सर, ये एक और ऑफेंसिव है। सीधे चलूंगा, जस्टिस जी बी पांडे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, वो कनेक्ट होने वाले, बल्कि मैं अब सीधे एक और बड़ी खबर बता दूं, सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म, शिवसेना ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बड़ी खबर, संजय राउत ने सचिन वाजे को बताया ईमानदार अफसर, मुंबई पुलिस का मनोबल गिराया जा रहा है, क्या कहा संजय राउत ने, आए दिखाइए जरा। देखिए सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है, मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है, कि ये सभी मामलों का गुनाह का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की, उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। जो एपीआई वाजे है ये करीब 16 सालों से सस्पेंडेड थे और उनको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, और जब वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, जिस समय मैं गृहमंत्री और मुख्यमंत्री था उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता, लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया, और केवल वापस नहीं लिया तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा पीआई रहता है उसका प्रमुख, तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया और सारे जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस सुन दी गई। अब कुछ सवाल हमारे मन में, मैं सीधे देखता हूं, क्या फिर होगी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की तकरार, केंद्र वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की तकरार, क्योंकि क्या सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले केस जैसा घटनाक्रम होगा, क्या फिर होगी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की तकरार में, क्या फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के बीच एक आपको लगता है टसल होगी, क्या सचिन वाजे गिरफ्तारी के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस जैसी राजनीति भी होगी यहां पर, शिवांगी क्या इनपुट आ रहा है वहां से अभी तक? जी देखिए, आपको बता दें इस मामले में शुरू से ही विपक्ष काफी हमलावर रहा है और यही कारण है कि सदन में खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि इससे मौजूदा सरकार काफी खफा भी थी कि एटीएस जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो कैसे सब जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के पास जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज संजय राउत साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अगर सारी जानकारी पुलिस महकमे की पहले देवेंद्र फडणवीस के पास जाती है तो ये सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूजा चव्हाण केस से लेकर इस केस तक जहां विपक्ष घेर रहा है सरकार को, तो वहीं सरकार मोहन डेलकर से लेकर और भी जितने तमाम मामले हैं उसमें भी घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के बीच तनातनी चल रही है, लेकिन इसका एक ये भी पहलू देखना है कि कहीं ना कहीं सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और शायद यही कारण है कि सीएम डिप्टी सीएम और गृह मंत्री एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सचिन वाजे के लिए, और जहां पर मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि क्या सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन है जो उस पर इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आप खुद देखिए, चार पांच दिन पहले ये बात मुख्यमंत्री ने कही थी, खुद गृह मंत्री ने कहा कि नहीं वो एक साफ सुथरा छवि के अधिक ऑफिसर है, और आज आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने हैं
तो जवाब देना होगा, सरकार को जवाब देना होगा, उन सभी मंत्रियों को जवाब देना होगा, पुलिस कर्मियों को जवाब देना होगा जो सचिन वाजे के समर्थन में उतरे थे। वहीं विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, विपक्ष तो अब ये भी मांग कर रहा है। मैं एक और बड़ी खबर यहाँ पर जानना चाहूंगा और वो मैं सीधे उसके लिए एक विक्रम सिंह सर से एक इनपुट लेना चाहूंगा। एंटीलिया केस की एनआईए जांच में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, केस में एनआईए को अब तक कोई आतंकी एंगल नहीं मिला। गाने के लिए आतंकी कनेक्शन की साजिश रची गई, सूत्रों के हवाले से खबर। एंटीरिया साजिश की वजह का पता लगाने में जुटी एनआईए और मैं चाहूंगा इसके बॉल ग्राफिक सीधे प्ले करें और मैं सीधे चलूंगा जितेंद्र के साथ। जितेंद्र, क्या इनपुट आ रहा है इस पूरे मामले में? एक एक जो इंटरेस्टिंग यहां पर मामला है, मैं विक्रम सिंह सर से एक क्विक रिएक्शन लूंगा। सर, पहले जानकारी आई कि एक आतंकी कनेक्शन है जो इससे पूरा मिलता जुलता है और दूसरी बार इंफॉर्मेशन आई कि वही इजराइल वाले बॉम्ब ब्लास्ट से पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अब ये पूरा मिसगाइड किया जा रहा है, ये हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस केओस ऑल अबाउट? देयर इज नो केओस। एक शातिर दिमाग अपराधी, क्रिमिनल माइंडेड पुलिस ऑफिसर, ये ऐसा है कि पहली बार शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैंने इसको कई बार देखा। जो शातिर दिमाग के अपराधी किस्म के पुलिस अफसर होते हैं, इसको कहते हैं ऐसा कैमोफ्लाज करके अपने डीवीएस डिजाइंस को करते हैं कि मालूम ही पड़ता कि असली और नकली में फर्क नहीं पता लग सकता है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से उतने गहरे संबंध होते हैं, उसको इतनी बारीकी से समझने की काबिलियत होती है कि वो जब स्वांग रचते हैं तो स्वांग असल से भी अच्छा हो जाता है। तो इस केस में भी आपको जरा बहुत होशियार चौकन्ना रहना, ये तो संतोष का विषय है कि एनआईए एक बात उठ रही है। एक मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा, मनोबल। मनोबल तब टूटता है जब सही काम में सहयोग और समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट के ऊपर सहयोग की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। और जैसे सिगरेट बुझाया जाता, उस तरीके से अगर इस तरह के आपराधिक तत्वों को नेस्तनाबूद नहीं किया पुलिस विभाग में, तो जनता का विश्वास और पुलिस की गरिमा हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। यही मैंने सीखा है और यही एक तरीका है कि बिल्कुल डेसिमेट करके, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड टू एनश्योर द डिग्निटी ऑफ द यूनिफॉर्म। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एनएन खन्ना मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, हम बात भारत की कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई टेंशन। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस, 88 लोगों की मौत। देश में 84 दिन बाद 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस। देश भर में 2,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना के एक्टिव मरीज। देश के 11 राज्यों से कोरोना से जो कोरोना के केसेस हैं वो 93% हैं। कुमार कुंदन के पास में हूं। कुमार कुंदन, सिचुएशन कितनी ग्रेव है अभी, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री पूरे सिचुएशन पर बहुत ही पैनी नज़र रखे हुए हैं और सबसे मतलब जो परेशान करने वाली बात है वो महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में अब दिल्ली में भी दस्तक दे रही है। दिल्ली में भी तकरीबन पर डे 400 से 500 केसेस जो हैं हो रहे हैं पिछले एक से दो दिनों में, तो ये एक नई परेशानी है। और स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कह रही है कि जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। मैं आपको और यही परेशानी दिख रही है। मैं आपको रोकूंगा, महाराष्ट्र तमिलनाडु बहुत बड़ा इनपुट एक आ चुका है अभी, उसके ऊपर मुझे जाना है। मैं डॉक्टर खन्ना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड वर्सेज भारत क्रिकेट सीरीज चल रही है, तीसरी तरफ मुंबई में लेजेंड्स वाले मैचेस चल रहे हैं, भारत लेजेंड्स वर्सेज ये, किसी को फिक्र नहीं पड़ी सर कोरोना की? बिल्कुल सही आप कह रहे हो, मुझे भी ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जब आज दिल्ली में 400 केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 15,000 केस रोज आ रहे हैं, यही सिचुएशन आप अगर कंपेयर करो जब कोरोना शुरू हुआ था तो कितना पैनिक था, कितना लोग सतर्क रहते थे। अभी तो ऐसे लगता है कि एवरीबॉडी, कोई किसी को कोई डर ही नहीं रह गया, इतनी लापरवाही हो रही है। और अगर अभी हम वर्ल्ड में नंबर 3 पे हैं, अगर हम ऐसे चलते रहे तो मुश्किल से एक महीना भी नहीं लगेगा कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे फिर से कोरोना के केसेस में। सर, ये तो एक लिमिट है लापरवाही की, एंड आई डोंट नो कि ये हर लेवल पे लापरवाही हो रही है। ये पब्लिक की लेवल पे हो रही है, गवर्नमेंट की लेवल पे हो रही है, जो
मीडिया है उसकी लेवल पे हो रहे हैं, इसकी कोई न्यूज ही नहीं है, इसका कोई डर ही नहीं बैठ गया, इसकी कोई सावधानी, कोई कहीं प्रॉब्लम, कहीं कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। यू आर एब्सोल्युटली हर जगह पे ऐसे लग रहा है जैसे माफी चाहूंगा, प्लीज पार्डन मी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इसलिए मैं इस कॉन्वर्जेशन को आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ, पार्डन मी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बड़ी खबर यह आ रही है बंगाल चुनाव में बीजेपी की लिस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, सरकार के खांचे के हिसाब से उम्मीदवार को दे रहे हैं टिकट, क्या कहा उन्होंने आइए देखते हैं सीधे। बंगाल की प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अभी अभी जो लिस्ट आई है उसमें बड़ी खास बात है कि आप लोगों ने सांसदों को भी उतार दिया, जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनको भी उतार दिया है, तो ये मतलब ये जो स्ट्रेटजी है इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सांसद प्लस कुछ हमने एकेडमिशियन को उतारा है, और क्योंकि हमारी सरकार बनाने की जो प्लानिंग है बंगाल को जो एक अच्छा प्रदेश बनाना है, तो आपने देखा होगा कि अशोक लहरी जी इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे, हमारे शाह साहब जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो भी लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम 200 पार जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पर सरकार चलाने के लिए लोग भी हमें चाहिए। आसान भाषा में पूछूं, क्या कैबिनेट का खांचा सोच करके टिकट आप दे रहे हैं? एक अर्थशास्त्र के बड़े आपके दिग्गज हो गए, पूरे सरकार का खांचा आपके दिमाग में है जब आप ये टिकट दे रहे हैं? निश्चित रूप से हम सरकार बनाने वाले हैं और सरकार चलाने वाले हैं, लोगों को हमने देख देख के और ये टिकट सरकार का खांचा देख करके दिए जा रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा कि हाँ, हम सरकार बनाने वाले हैं और सरकार चलाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, वो हम निकाल कर और उन लोगों को टिकट दिया हमने। एक बार मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया सारी रिपोर्ट आने के बाद, उसने उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्घटना थी जो ममता बनर्जी के साथ में हुआ है, ये कोई अटैक नहीं था, और ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी कह रही है कि उन पर अटैक किया गया, हमला किया गया। अब बीजेपी की क्या इस पर लेके पब्लिक में क्या आप लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पहले देश के पत्रकार आप हैं जिन्होंने स्पॉट पे जाकर और ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाज़ा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ, ये किसी ने घटना नहीं की, बस वहीं से प्रारंभ हुई ये कहानी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लग काम, चश्मदीदों का बयान था वो सारा, वो चश्मदीदी बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपने, मैं कह सकता हूँ कि आपने उसकी शुरुआत की, उसके बाद बहुत लोग गए और सबने उसकी जांच की, पत्रकारों ने जांच की, आपके बाद बहुत पत्रकार गए, सब ने वहाँ पर तथ्यों को सामने रखा, उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये एक्सीडेंट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।